देश में निरंकुश शासन जो आरएसएस की फासिस्ट विचारधारा की समृद्धि में है स्थापित करने की ओर बढ़ रही है। आरएसएस के घोषित लक्ष्य है हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने के उद्देश्य से अल्पसंख्यकों को विशेष रूप से हमलों का निशाना बनाया जा रहा है। तथाकथित गोकशी, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन को रोकने के नाम पर केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा कठोर कानून बनाए जा रहे हैं। महिलाओं, दलितों, आदिवासियों के अधिकारों को कुचला जा रहा है। आरएसएस के अनुसांगिक संगठन और एंटी रोमियो स्क्वायर अल्पसंख्यकों व महिलाओं को निशाना बना रहे हैं और उन्हें पुलिस और भाजपा सरकारों का संरक्षण हासिल है। हमारे प्रदेश में मेवात में आरएसएस के संगठनों ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहरीला प्रचार तेज कर दिया है। उन सरकारों को रोक लगाने की बजाय संरक्षण ही प्रदान कर रही है। मोदी सरकार द्वारा सभी जनतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं जिनसे नागरिकों को राहत प्राप्त करने की संभावनाएं हैं को कब्जे में लेकर पंगु बनाया था। संसद में भी बिना बहस और स्थापित परंपराओं की अनदेखी करते हुए जन विरोधी कानून पारित किए जा रहे हैं। कृषि कानून और लेबर कोड इसमें शामिल है। नागरिकता कानून में संशोधन करके धर्म को नागरिकता का आधार बना दिया गया है जो बिल्कुल ही गैर संवैधानिक है। भाजपा सरकार के इन निरंकुशतावादी कदमों और विचारधारा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं, वकीलों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, दलित व आदिवासी अधिकार कार्यकर्ताओं, लेखकों, बुद्धिजीवियों, कलाकारों, पत्रकारों, विद्यार्थियों और विपक्षी पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को यूएपीए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, देशद्रोह जैसे कठोर कानूनों के तहत फर्जी मुकदमे दर्ज करके जेलों में डाला जा रहा है जिनमें जमानत मिलना भी बहुत मुश्किल है। इस प्रकार झूठे मुकदमों में जेल में बंद किए गए लोगों के नागरिक अधिकारों तक को नकारा जा रहा है जिसको हम फादर स्टैन स्वामी जी दुखद मृत्यु के रूप में देख चुके हैं। वरवरा राव व अन्य बुजुर्ग लोगों को न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाएं तक प्रदान नहीं की जा रही। किसान आंदोलन के कई नेताओं पर भी इन्हीं धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। जनतांत्रिक अधिकारों को कुचलने के लिए संपत्ति क्षतिपूर्ति कानून लाया गया है प्रदेश में। सरकार का विरोध करने वाले टीवी चैनलों, सोशल मीडिया नेटवर्क और वेबसाइटों पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग द्वारा छापे मारे जा रहे हैं। केंद्र और भाजपा शासित राज्यों में पुलिस बलों को आरएसएस के अवतार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस बल अल्पसंख्यक और विरोध करने वालों पर बल प्रयोग के अलावा उनके फर्जी एनकाउंटर तक कर रहे हैं और पुलिस हिरासत में उत्पीड़न से अनेकों मौतें हो रही हैं। दूसरी तरफ दंगे फसाद करने वाले सांप्रदायिक तत्वों को पूरा संरक्षण दिया जा रहा है तथा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इसके उदाहरण हम भीमा कोरेगांव हिंसा, दिल्ली दंगों में भाजपा नेताओं की भूमिका व जेएनयू में छात्रों व अध्यापकों पर एबीवीपी व आरएसएस द्वारा किए गए हमलों में देख चुके हैं जहाँ सबूत होने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 को निरस्त करके विरोध की आवाज को दबाने के लिए जम्मू कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हजारों राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेलों में बंद कर दिया गया तथा पूरे प्रदेश को खुली जेल में तब्दील कर दिया गया। केंद्र की सरकार द्वारा इसराइल से जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस को हासिल करके गैर कानूनी रूप से विपक्षी नेताओं, न्यायाधीशों, चुनाव आयोग, संपादकों, सेना समेत उच्च अधिकारियों और नागरिक अधिकारों के कार्यकर्ताओं की निगरानी की जा रही है तथा सर्वोच्च न्यायालय तक में सरकार इस बारे स्पष्ट जवाब देने से भी इनकार कर रही है। पेगासस सॉफ्टवेयर द्वारा किसी भी व्यक्ति के मोबाइल फोन के माध्यम से उसकी सभी बातचीत व गतिविधियों पर न केवल निगरानी रखी जा सकती है बल्कि उसकी मेल, कंप्यूटर व फोन में आपत्तिजनक सामग्री भी उसकी जानकारी के बिना डाली जा सकती है। ऐसे स्पष्ट संकेत हैं कि जनवरी 2018 में भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा के झूठे आरोप में गिरफ्तार किए गए दलित कार्यकर्ता व बुद्धिजीवियों के खिलाफ ऐसा प्रयोग पुलिस द्वारा किया गया। केंद्र सरकार ने देश के सूचना तकनीकी कानूनों में बदलाव करके फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया माध्यमों से इनके उपयोगकर्ताओं की जानकारी हासिल करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। यह सीधे तौर पर इनके उपयोगकर्ता नागरिकों की निजता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। इसी प्रकार सिनेमाटोग्राफी कानून में संशोधन करके सरकार ने न सिर्फ फिल्मों पर रोक लगाने का अधिकार हासिल कर लिया है बल्कि पहले रिलीज हो चुकी फिल्मों की भी समीक्षा करके रोक लगाने का अधिकार हासिल कर लिया है और इस तरीके से ये क्रिएटिविटी के ऊपर अंकुश लगाने का अधिकार सरकार के पास आ गया। कुल मिलाकर
आरएसएस द्वारा संचालित केंद्र सरकार हमारे देश की जनतांत्रिक व्यवस्था को बदलकर इसे तानाशाहीपूर्ण निगरानी राज्य में तब्दील कर रही है, जहां हर नागरिक हर समय सरकार की निगरानी में होगा तथा व्यक्ति विरोध न कर सके। इन बदलावों के चलते ही दुनिया में जनतंत्र और लोगों के अधिकारों पर काम करने वाली विभिन्न संस्थाओं ने भारत के जनतंत्र पर विपरीत टिप्पणियां की हैं तथा दुनिया में भारत की जनतांत्रिक देश के रूप में छवि प्रभावित हुई। यह सम्मेलन मांग करता है कि फर्जी मुकदमों में जेल में बंद किए गए तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों, दलित आदिवासी कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, लेखकों, बुद्धिजीवियों व साधारण नागरिकों को तुरंत रिहा बिना शर्त रिहा किया जाए तथा संविधान प्रदत्त सभी नागरिक अधिकारों की गारंटी की जाए। यूएपीए देशद्रोह जैसे काले कानूनों को रद्द किया जाए। पार्टी का यह सम्मेलन अपने प्रतिनिधियों, पार्टी सदस्यों, जनतांत्रिक हिस्सों, जनसंघों व तमाम विपक्षी पार्टियों का आह्वान करता है कि भाजपा आरएसएस के इन तानाशाहीपूर्ण कदमों का व्यापक एकता बनाते हुए पुरजोर विरोध करें और उनके दूषित प्रयासों को विफल करें। साथी जगपति, अगले जो हमारे वक्ता हैं, फतेहवाद सिंह संदीप मैया, 5 मिनट तैयार रहे। साथी वीरेंद्र ने जो प्रस्ताव रखा है नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रस्ताव, बस उसके संदर्भ में मैं एक दो बात कहना चाहती हूँ कि राज्य की तरफ से इन अधिकारों के ऊपर जो हमले होते हैं उसका जो मुख्य स्रोत है हमारे यहाँ पे वो, क्योंकि इंडियन स्टेट ने आजादी के बाद लैंड रिफॉर्म्स लागू नहीं किए, महिलाओं के संपत्ति में अधिकार जो थे उनके ऊपर प्रतिक्रियावादी ताकतों के सामने घुटने टेके, उसकी वजह से लगातार ये तबके जो है हिंसा का शिकार होते आए हैं। और अब ये आजादी जब हमारे देश के अंदर 73 साल की होगी है और आजादी के आंदोलन की ऊर्जा खत्म हो गई है तो इस प्रौड आजादी के इस पड़ाव के ऊपर वही प्रतिक्रियावादी ताकते तो संविधान की बजाय मनुवाद जो है उसके ऊपर इस देश को चलाना चाहती है। उन्होंने फिर से उन तत्वों के ऊपर उनके अधिकारों के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए और तमाम तरह से तमाम कोशिशें वो की जा रही है। और इसके अंदर एक बात ये भी है कि जब ये पूरा वातावरण है तो इन अधिकारों को लेके सामुदायिक स्तर पे भी और व्यक्तिगत स्तर पे हमारे परिवारों के अंदर भी एक ऐसा वातावरण है जो जब ये तबके अपने अधिकारों को असर्ट करते हैं तो वहाँ पे उस मुश्किल जगह के ऊपर हमारी तरफ से भी कुछ चूक होती है। लेकिन जिस राजनीति के हम सिपाही हैं वहाँ पे मुश्किलों के सामने अपने पैर टिका के रखना और जिन तबकों के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, जिनके नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए वो डट के उनकी रक्षा करना, इसका संकल्प भी बनता है किसी प्रस्ताव के संदर्भ में। इन बातों के साथ मैं इस प्रस्ताव को आपके सामने पेश करती हूँ, उसका समर्थन करती हूँ। फतेहवाद से साथी सिद्धि मैया।